नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः आज स्वागत करता हूं कंस्ट्रक्शन सीरीज के गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के तहत। आज ये थर्ड पार्ट है हमारा। आज हम कंक्रीटिंग पे देखेंगे। इससे पूर्व हमने ब्रिकवर्क देखा है, उसके बाद में प्री कंक्रीटिंग की तैयारियां क्या क्या होती हैं वो देखा है। जब हम अपनी कंक्रीटिंग के पूर्व तैयारी कर लेंगे, उसके बाद हमारी आती है बहुत ही महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन स्टेज, जिसको हम कंक्रीटिंग बोलते हैं। नॉर्मली हम जब भी छत की, अपनी रूफ स्लैब की कंक्रीटिंग कर रहे होते हैं या बाकी कंक्रीटिंग करते हैं, कहीं ना कहीं फ्रेम स्ट्रक्चर में कंक्रीट जो है सारा लोड को ट्रांसफर करता है। इसीलिए कंक्रीट हम हर सिविल इंजीनियर, हर मकान मालिक, हर कॉन्ट्रैक्टर चाहता है कि कंक्रीट उनकी बेहतरीन बने। कंक्रीटिंग बेहतर होगा, आपकी कंक्रीट की क्वालिटी अच्छी होंगी, यदि आप थोड़ी सी जो इन टिप्स है उन पे ध्यान देंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज कंक्रीटिंग के लिए हमें क्या अच्छी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी और क्या हमें अच्छी करनी पड़ेंगी। हम देख पा रहे हैं कि हम कंक्रीट बना रहे हैं, राइट हैंड साइड में कुछ फोटोज हैं, जो कंक्रीट मिक्सर मशीन है या फिर आपके एग्रीगेट्स हैं या कंक्रीट बने हुए हैं, हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमें काम एंश्योर करना पड़ेगा कि जितने भी कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे गुड क्वालिटी के होने चाहिए। यदि आपको अच्छी कंक्रीट चाहिए, उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, एदर सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, इफ एडमिक्सचर इज बीइंग यूज्ड, यदि हम यदि कोई कंस्ट्रक्शन केमिकल यूज कर रहे हैं तो वो भी अच्छी इस्तेमाल होनी चाहिए। हम जब भी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें, प्रॉपर प्रोपोर्शन में ही करें, यानी कि कंक्रीट की मिक्स प्रोपोर्शन होती है। यदि हम ग्रेडेड कंक्रीट बना रहे हैं तो यदि हम M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट बना रहे हैं तो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट को ही अडेयर करें। यदि हम 1:1.5:3 का मिक्स हम अडेयर कर रहे हैं तो हमें इंश्योर करें कि सीमेंट का पार्ट 1 है, सैंड का पार्ट यानी कि फाइन एग्रीगेट का पार्ट 1.5 है और कोर्स एग्रीगेट का पार्ट 3 है। ये हमें बाय लेटर एंड स्पिरिट हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि किसी भी हालत में हमें यही प्रोपोर्शन लेके चलना है और इसको इंश्योर करना है साइड पे कि कैसे हो। यदि आपने ये काम कर लिया तो यकीन मानिएगा आपकी कंक्रीटिंग के बहुत सारी काम आसान हो जाएंगे। तो प्रॉपर मिक्स प्रोपोर्शन बहुत जरूरी है। हम तीसरी बात करेंगे कि वाटर हम कैसे यूज करें। नॉर्मली हमें वाटर जो है, वाटर हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वाटर की इंपॉर्टेंस हमें समझ में नहीं आती है और हम वाटर को ज्यादा ही यूज कर देते हैं। उससे हमारे साइट पे कुछ काम करने में लोगों को आसानी महसूस होती है, लेकिन ध्यान रखें हमें वाटर उतनी ही यूज करनी चाहिए जितना प्रिस्क्राइब्ड है, जितना बोला गया है। उससे ज्यादा पानी डालना कंक्रीट के लिए नुकसानदेह है। आपने ज्यादा पानी डालेंगे तो आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाएंगी। इसीलिए यदि हमें उसमें ज्यादा लोच लानी है, ज्यादा वर्केबिलिटी लानी है, तो उसका बेहतर उपाय है कि हम कोई कंस्ट्रक्शन केमिकल्स यूज कर लें, कोई एडमिक्सचर यूज कर लें, कोई प्लास्टिसाइजर यूज कर लें, लेकिन वाटर सीमेंट रेशियो को प्रॉपर ऑप्टिमम ही रखना बेहतर है कंक्रीट की क्वालिटी के लिए। यदि आपको वाटर की जो कंटेंट है उसको कंट्रोल में रखना है तो कहीं ना कहीं मेजरमेंट के लिए आपको पानी की जार रखना पड़ेगा साइड पे। आमतौर पर हम पाइप्स के साथ या बाल्टी से अंदाजे के भर पे हम पानी मिलाते हैं, जो गलत प्रैक्टिस है। तो कभी भी आप जो जार है या 5 लीटर्स का या 10 लीटर्स का वो जार आप रखें, ताकि हम यदि 25 लीटर्स वाटर ऐड करने हैं तो हम 25 लीटर्स ही ऐड करें। यदि हमें 50 लीटर्स ऐड करने हैं, 2 बोरी की हम सीमेंट बना रहे हैं तो 50 लीटर्स ही हम वाटर ऐड करें। तो कभी भी वाटर मेजरमेंट का जो प्रोविजन है वो साइड पे होना चाहिए और नेसेसरीली अडेयर करना चाहिए। तीसरा, मैंने पहले ही बोला आपको, यदि फिर भी आपको लग रहा है कि आपका मिक्स जो है वर्केबल नहीं है, कई बार आपके जो एग्रीगेट्स हैं उसमें कुछ पोर्स होते हैं तो हो सकता है कुछ वाटर जो करेक्शन, मॉइस्चर करेक्शन वहां लग जाए या कुछ और चीजें हैं, तो उस वजह से यदि आपकी मिक्स वर्केबल नहीं है, आप एडमिक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आमतौर पर जब भी कंक्रीटिंग करते हैं, आज की तारीख में कंक्रीट मिक्सर मशीन यूज करते हैं। चाहे आप देहात जाएं या आप शहर जाएं, आज की तारीख में कंक्रीटिंग जो है मैनुअल मिक्सिंग नहीं होती, मैक्सिमम टाइम जो है वो कंक्रीट मिक्सर मशीन के माध्यम से ही होती है। जब भी हम कंक्रीट मिक्सर मशीन हम अपने साइट में इस्तेमाल में लाएं तो हमें 2-3 चीजें ध्यान में देनी पड़ेगी। कंक्रीट मिक्सर के जो ड्रम है, ड्रम को देखना पड़ेगा कि अंदर से स्मूथ होनी चाहिए, कोई अंड्यूलेशन नहीं होनी चाहिए। अंड्यूलेशंस होंगी जब भी कंक्रीट मिक्सर में हमारा मसाला घूमेगा तो जो बड़ी बड़ी गिट्टियां हैं वो ठोकर खा के सेग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगी। कंक्रीट मिक्सर मशीन की जो अंदर की सतह है वो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, फ्री ऑफ अंड्यूलेशन होनी चाहिए। दूसरा कि आपके जो ब्लेड्स हैं
आपकी कंक्रीट मिक्सर मशीन में ब्लेड्स होते हैं, वो ब्लेड्स भी प्रॉपर होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कंक्रीट मिक्सर मशीन में मसाला कितना देर तक हमें मिलाना चाहिए। नॉर्मल केस में ये हमारे जितने भी गैंग ऑपरेटर्स हैं या ढलाई गैंग्स हैं, इनको इनकी अवेयरनेस कम होती है, तो हमें 2 से 3 मिनट से ज़्यादा किसी भी कंक्रीट मिक्स को मिक्स नहीं करना है। तो कंक्रीट मिक्सर मशीन में 2 से 3 मिनट तक ही मसाला आप मिक्स करें, वो ज़्यादा बेहतर है। सभी निर्माण सामग्री को पैमाइश करने के लिए, जितने भी निर्माण सामग्री है उनको यदि पैमाइश करना है, आप फॉर्म बॉक्स का इस्तेमाल करिए। एक सीमेंट की जो बोरी है उसके बराबर का आप एक फर्मा बनाइए और उस हिसाब से पैमाइश करना शुरू करिए, वो ज़्यादा बेहतर है और साइंटिफिक है। यदि बहुत सारे जगह है जहाँ पे एक मैनुअल मिक्सिंग करना पड़ता है, छोटा कॉन्क्रीटिंग है या कुछ इस तरह के कॉन्क्रीटिंग है जहाँ पे आपने कॉन्क्रीट मिक्सर मशीन का इस्तेमाल नहीं किया है, तो वहाँ मैनुअल मिक्सिंग करना अपरिहार्य होता है। मैनुअल मिक्सिंग में 2-3 चीज़ें हमें ध्यान में देना पड़ेगा कि जब भी हमें मिक्सिंग करना है, हमें प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना के उस पर मिक्सिंग करना है। खुले घास पे या पत्ते या बाकी चीज़ें उसमें मिक्स नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नीचे आप प्लेटफॉर्म बनाइए, चबूतरे बनाइए और उसके ऊपर आप पक्का चबूतरा बना के उसके ऊपर आप कंक्रीट का कंक्रीट बनाइए। दूसरा, जब भी हम मैनुअल मिक्सिंग करते हैं तब हमें 10% अतिरिक्त सीमेंट कंटेंट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ सीमेंट जो है आपके वैसे लॉस होता है मिक्सिंग, मैनुअल मिक्सिंग में प्रॉपर मिक्स नहीं होता, तो 10% आपको अतिरिक्त सीमेंट का इस्तेमाल करना ही चाहिए, तभी जा करके आपकी कॉन्क्रीट अच्छी क्वालिटी की बन पाएंगी। यदि आपको अच्छी क्वालिटी कॉन्क्रीट बनानी है तो मैं सारांश में बताता हूँ, आपके सारे इन्ग्रीडियंट्स अच्छे होने चाहिए, आपके सारे इंग्रेडिएंट्स की जो मात्रा है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसके लिए फर्मा या फॉर्म बॉक्स जिसको बोलते हैं वो, पानी मापने की जार, ये सब सारी साइड पे होनी चाहिए। आपको यदि मसाले में लोच नहीं आ रही है तो आप एडमिक्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। कॉन्क्रीट मिक्सर मशीन का इस्तेमाल करें, लेकिन अच्छी कॉन्क्रीट मिक्सर मशीन का इस्तेमाल करें, 2 से 3 मिनट ही मसाले को मिक्स करें। यदि आपको मैनुअल मिक्सिंग करना है तो मैनुअल मिक्सिंग के केस में 10% अतिरिक्त सीमेंट आपको मिलाने पड़ेंगे, और कंक्रीट बनाने की जो आपकी प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। यदि आपने ये सब चीज़ पे ध्यान दिया तो आपकी सामान्यतः कंक्रीट जो है अच्छी क्वालिटी की बनेंगी, आपकी छत मजबूत बनेंगी और आपकी छत टिकाऊ भी बनेंगी। तो यदि आपको अच्छी कंक्रीट बनाने हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें और आप अच्छे कंक्रीट बनाएं। धन्यवाद आप सभी का, फिर मुलाकात होगी दूसरी सीरीज में कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट में। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का, नमस्कार, थैंक यू सो मच।